दुआ के लिए ये वास्तविक बात को जानते हैं, दुआ के लिए कहा जाए तो बहुत थोड़ी शुरुआत है बस। दूसरे प्रोग्राम्स में जाते चुके ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये इतना है इम्पोर्टेंट है दुआ का। सो आप सबके पिछले प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए कलाम मुकदस में से देखेंगे। मेरा जो आज का मजमून है वो है एप्पल ऑफ द आई, आंख की पुतली। कलाम की इज्जत के लिए हम सब खड़े होंगे, सवाल को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब इंसान सेम चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स। इंसान सातवां बाब पहली और दूसरी आयत। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा है और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान। माय सन Keep my words and treasure up my commandments with you. Keep my commandments and live. Keep my teaching as the apple of your eye. हम दुआ करेंगे। दोस्त खुदावंद आज के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब मिलकर इक्लीसिया तौर पर तेरे हजूर आए हैं, ताकि तेरे मन पढ़ते सीता लोगों के लिए जिनको तुमने पहले से चुना है इकट्ठे होकर अपनी फरियाद कर सके। हमारी दुआएं तेरे हजूर बहुत की मदद पहुंचे और आज के कलाम पर तेरी बरकत हो। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस नाम यीशु मसीह से, आमीन। प्लीज शेयर करें। एप्पल ऑफ द आई, आंख की पुतली। इट इज ट्रांसलेशन of the Hebrew word ashon, A-S-H-O-N. Greek word we have damasel, D-A-M-S-E-L. Little word here pilia, P-U-P-I-L-L-A. The little man of the eye. Jab aankh ki putli kaha jata hai to so many times hum samajhte hain shayad ये जो सेब हम खाते हैं उनकी तरफ इशारा है, लेकिन जो इसका मतलब है द लिटिल मैन ऑफ द आई। हैव यू एवर लुक्ड समवन इन द आई एंड सीन योर ओन रिफ्लेक्शन इन देयर पुपल? दैट द लिटिल मैन राइट इन द सेंटर ऑफ द आई इज एप्पल ऑफ द आई। जब हम किसी दूसरे की निगाह में नजर में नजर डालकर देखें तो आपको जो अंदर वाला सेंटर वाला एरिया है वहां से एक छोटा सा आदमी आपका रिफ्लेक्शन नजर आता है, इसको एप्पल ऑफ द आई कहते हैं। ये आपको खाने वाले की बात नहीं की जा रही है। इट इज वेरी सेंसिटिव प्लेस बट वेरी प्रोटेक्टेड। ऑटोमेटिक केयर मींस गॉड सीइंग यू एंड वॉचिंग। आप देखते हैं ये आंख खुद खुद चमकती है, खुद खुद बंद होती है, खुलती है। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, रखा हुआ है बदन के सबसे ज्यादा हिस्से से ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा जो है ये एप्पल ऑफ द आई है। क्रिएटर हैज प्लेस्ड द आई इन वेल प्रोटेक्टेड पोजीशंस विद द फेंस ऑफ आई लैशेस। आपने देखा आंख के लिए पूरी फेंस बनी हुई है बालों के, जिसके साथ उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और अंदर ही सिस्टम है, एवरी टाइम हम देखते हैं तो ये क्लीन करता है हमारी आई को, लुब्रिकेट करता है। ओल्ड टेस्टामेंट यूज द फ्रेज द एप्पल ऑफ द आई, इट्स पोएटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ गॉड्स केयर फॉर इसराइल। ये इसराइल के लिए लफ्ज खुदा ने यूज किया था। और मैं ये कहता हूं उस वक्त तक आप एप्पल ऑफ द आई, आंख की पुतली नहीं पढ़ सकते जब तक बिल्कुल सामने ना खुदा की नजर फोकस जो है, सेंटर जो है वो रखा हुआ है इसराइल के ऊपर।
कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम गौर करेंगे. गॉड्स पीपल आर एप्पल ऑफ हिज आईज, खुदा के लोग जो हैं वो उसकी आंख की पुतली है. ज़करिया तोबा आठवीं से बारहवीं तक लेकर के रब अल्फाज, जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया. द नेशन विच प्लंडर यू, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है. क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हलाऊंगा. आई रेज माई हैंड अगेंस्ट देम, और अपने गुलामों के लिए लूट होंगे, उन्हीं के नाम पर उनको लूटेंगे. तब तुम जानोगे कि रब अल्फाज ने मुझे भेजा है. ऐ दुख प्रेस सहयोग तो गा और खुश कर. Shout and rejoice, O beautiful Jerusalem. क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकून करूंगा, खुदा मुझे फरमाता है. और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदा मुझसे ये करेंगे और मेरी उम्मत होंगी और मैं तेरे अंदर सुकून करूंगा. तब तू जानेगी कि रब अल्फाज ने मुझे तेरे पास भेजा है. और खुदा यहूदा को मुल्के मुकद्दस में अपनी मिरास का बकरा ठहराएगा. और खुदा यहूदा मुल्के मुकद्दस में अपनी मिरास का बकरा ठहराएगा. एक हिस्सा इनको दिया जाएगा और वे यरूशलेम को कबूल फरमाएगा. एंड द लॉर्ड विल इनहेरिट यहूदा एज हिज पोर्शन इन होली लैंड. ये जो पहला पॉइंट है इसे हम देखते हैं कि खुदा के लोग जो हैं उसकी आंख की पुतली है. और यहां पर जो हमने देखा है रब अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम्हें उन कौमों के पास भेजूंगा. और आप जानते हैं कि फलस्तीन जो लोग हैं ये हमेशा से जंगल में रहे हैं, लेकिन खुदा ने कहा ऐ दूसरे सय्यून, ऐ यरूशलेम, ऐ इस्राएल, मेरी मां की पुतली है. अगर तुझे वो छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता कैसे? अगर एक छोटा सा आदमी आपकी आंख के सेंटर में हो, इसका मतलब है खुदा बिल्कुल अपनी नजर को इधर उधर नहीं करता. उसका फोकस उसकी कौन है और वो इसराइल यरूशलेम है. और उसकी उम्र में उसकी जो कौन है जो ट्राइब है उसमें बहुत से लोग रस्म और वाजिश को कायम रखा है तो ये यहूदा
خدا اس کے شوکر طرح
regarded him as an apple of his eye. जैसे उकाब अपने घोंसले को उठा बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है, वैसे उसने अपने बाजों को फैलाया और उनको लेकर अपने पैरों पर उठा लिया। इस्राएल की बात की जा रही है जब मिस्र से निकले हैं। खुदा ने उनकी राह खोली कि और उसके साथ कोई अजनबी महबूद ना था। नो फॉरेन गॉड वाज विद हिम। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया और उसने खेत की पैदावार प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड। अब ये चल रहे हैं, मैं ये पढ़ रहा था, हैरान हो रहा था, एक शख्स चल रहा है, उसके साथ साथ चीजें क्रिएट होती जा रही हैं जो उनकी जरूरत की है। उसने उसे चट्टान में से शेयर हनी फ्रॉम द रॉक और सन के खारा में से तेल चुसाया। संगे खारा का मतलब होता है स्टोनी ग्राउंड, ऐसे सख्त जगह जहां पे मुमकिन नहीं हो सकता कि तेल निकल सके, क्योंकि आंख की पुतली है, जो आंख की पुतली है इसकी हर वक्त हमारी हिफाजत है। कोई भी हम पे अटैक करे कोरोना हमारे हाथ आगे आएंगे इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। वो गायों का मक्खन और भेड़ बकरी का दूध और बरों की चर्बी और बसरी नस्ल के एंटी अटॉक, ये ब्रीड है बसरी की, और खालस गेहूं का आटा और मूंग के खास खस की मैं लिया करता था। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदा तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाएगा। इस तरह बाप अपने बच्चे को, मुझे पता है पाकिस्तान में बाप बच्चों को कंधों पे उठाते हैं, छोटे बच्चों को जिस तरह कंधे पे उठाया हुआ है लिखा है, इसी तरह खुदा ने इसराइल को उठाया था जो कि उसकी आंख की पुतली है। जरूर होती है काठ पर लगा लगे जो कि खुदा के शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में, जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। God will keep the city safe forever। ऐसा हो नहीं सकता कि सारा कुछ जितने मर्जी तुम चीज हैं इस पे अटैक करें, जितने मर्जी कंट्री अटैक करें, ये हो नहीं सकता कि अगर खुदा ने वादा किया है कि वो हमेशा उसको संभालेगा तो वो संभालेगा। और क्या लगा वो खुदा को मेरा नहीं है बहन अपने बेटे को अपनी बेटी को कंधे पे उठा कर ले
سنا تھا ویسا رہتے ہیں خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا God will keep the city safe forever کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کیونکہ یہ جو اسرائیل ہے یہ اس کی آنکھ کی پتلی ہے ہو نہیں سکتا دشمن آئیں گے اٹیک کریں گے حملے ہوں گے کیونکہ میرے مسیحا کا آنا ضروری ہے اور اس کی آنکھ سے آنے سے پہلے جب سے یہ دنیا کا آغاز ہوا ہے اس وقت
یہ بول نہیں سکتا، یہ خود جان